इट्स मी राहुल एंड यू आर वॉचिंग व्लॉगिंग हर्ट। एंड सबसे पहले आप सभी को छठ पूजा की हार्दिक शुभकामनाएं। आज है दूसरा अर्घ और अभी बज रहे सुबह के 3 और आज मैं जाने वाला हूँ घाट पे। तो आज देखते हैं कि घाट पे इस साल कोविड का सिचुएशन में किस तरह का डेकोरेशन है। तो फिलहाल तो आपको मैं यहाँ से अपने छत से व्यू दिखा देता हूँ। तो छत से फिलहाल कुछ ऐसा भी नज़ारा लग रहा है, पर मैं थोड़ी देर में निकलता हूँ नहा धो के रेडी होके, देन हम लोग चलेंगे कहीं और आपको दिखाएंगे पूरा नज़ारा। तो अभी बज रहे 4:45 एंड आई एम ऑल रेडी नहा धो के एंड ऑल सेट टू गो, लेट्स गो। तो चलिए निकलते। आई नो कैमरा का एंगल थोड़ा सा आपको टेढ़ा लगे अब, क्योंकि उसमें एक क्लिप आज मिसिंग है, क्लिप घर ही में छूट गया एंड उसके चलते माउंटिंग में थोड़ा प्रॉब्लम हुआ, बट कोई नहीं। तो यहाँ से स्टार्ट होता है लाइटिंग, मतलब मेरा घर के पास से ही मान सकते हैं। इधर आप इधर भी देख सकते हैं, राइट में पूरा है लाइटिंग किया हुआ एंड इधर भी है जो मेन जाने का रास्ता है। खाने के लिए मैं इतना सुबह सुबह आया हूँ, नहीं तो मैं डायरेक्ट घाट जाता। Thank you.
यहाँ पर आप देख सकते हैं रास्ते कितने बेहतरीन तरीके से सजाए हुए हैं। भले ही दिवाली ख़त्म हो गया हो लेकिन रोशनी अभी तक उसी तरह बरकरार है, इवन उससे भी ज़्यादा अच्छे से बरकरार है। तो फिलहाल हम लोग यहाँ पर आए हैं घाट के पहले, जो हर साल यहाँ पर पंडाल बनता है छठ पूजा का, वहीं पर। ये है विशाल। राम बाबू आप जहाँ कहीं भी खेल के सामने आ जाए और बहुत ही चाय बड़ी अच्छी थी, इसलिए हम लोग एक और कप पीने का ट्राई करेंगे, प्लान कर रहे, तो लेट्स गो। We'll be right back.
पहुंच चुका हूँ और अभी मेरा एडिटिंग भी ख़त्म हो गया इस वीडियो का। और सुबह एक प्रॉब्लम आ रही थी, जो मैंने एक्शन कैम से जो रोड का व्यू शूट किया था वो कुछ करप्ट हो गया था, कुछ शो नहीं कर रहा था, बट वो प्रॉब्लम सॉल्व हो चुका है एंड फाइनली सब एडिटिंग भी हो चुका है। अब मैं ये व्लॉग अभी एंड करता हूँ, फिर बहुत लेट हो चुका है, व्लॉग एंड करके इसको कंप्लीट करके अपलोड करना है, फिर जाके सोना है। तो मिलते हैं आपसे किसी अगले व्लॉग में, तब तक के लिए गुड नाइट।